इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारी चीजें अभी निकल के आ रही है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम को देखकर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है अभी वो टॉप पे चल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है, और डिमांड हो भी क्यों ना, क्योंकि इतने सस्ते में डेली ट्रैवल कर सकते हैं। पर क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चाहिए, क्योंकि आए दिन हमको देखने को मिल रहा है कि अच्छी खासी कंपनी जैसे कि ओला, ओकिनावा, इन सभी कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बैटरी ब्लास्ट हुई है और ब्रेक फेलियर के कारण काफी सारे एक्सीडेंट और नए नए केसेस बाहर निकल के आ रहे हैं। अभी रिसेंट कल की ही बात है, तेलंगाना में एक प्योर ईवी की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में खड़े खड़े आग लग गई, और आग लगने का कारण यह बताया जा रहा है कि उस स्कूटर की बैटरी ब्लास्ट हो गई थी। और अच्छी बात यह है कि जब स्कूटर की बैटरी फटी तब वहाँ पे आसपास कोई बंदा नहीं था, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। डेली ऐसे ही बहुत से केसेस बाहर निकल के आ रहे हैं, अब मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सवाल उठने लगे हैं। अभी रिसेंट एक दो दिन पहले की बात है, इलेक्ट्रिक स्कूटर में फॉल्ट के कारण इस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, और वह इलेक्ट्रिक स्कूटर था ओला कंपनी का। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इस बंदे ने ओला कंपनी पर क्लेम भी कर दिया है कि उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर में फेलियर होने के कारण यह एक्सीडेंट हुआ है। फेलियर कुछ भी हो सकता है, पर लीक्स यह निकल के आ रही है कि स्कूटर का ब्रेक फेल हो चुका था, इस वजह से स्कूटर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और एक्सीडेंट हो गया। जहां तक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में फॉल्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में अधिकतर 3 या 4 फॉल्ट आ रहे हैं। पहला कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो लिथियम आयन बैटरी का यूज कर रहे हैं वो ब्लास्ट हो रही है। दूसरा फॉल्ट यह है कि ब्रेक फेल हो रहे हैं, ब्रेक फेलियर के भी काफी सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं। और एक मेजर प्रॉब्लम यह भी देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर थ्रोटल रीज करने में आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे आ रही है, वो भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इलेक्ट्रिक व्हीकल जब पीछे मूव करेगी तो सोच सकते हो क्या ही हो सकता है, ये इंटीरियर फॉल्ट है या फिर क्या फॉल्ट है अभी तक कुछ समझ नहीं आया, पर यह फॉल्ट भी काफी स्कूटर्स में देखने को मिल रहा है। इन सभी केसेस और फॉल्ट्स को देखकर आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।